भैया इधर अंदर रख लीजिए, इस पर रख लीजिए, कल ही मैसेज आएगा, कल आएगा, फिर मैं इंतज़ार करती रही। साइन चाहिए ना, लीजिए पैसा लीजिए। घर के सभी काम ख़त्म करने के बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। तो लंच में बनाऊँगी मारे टमाटर की सब्ज़ी और पूरी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मैंने बना भी लिया है, तो उसका मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर टमाटर की सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, अब मैं निकालूँगी फटाफट पूरी और फिर उसके बाद लगाऊँगी अपने कान्हा को भोग। ये मैंने अपने कान्हा के लिए प्लेट लगा लिया है, तो चलिए अपने कान्हा को भोग लगा देते हैं। और ये ठंडा हो गया बढ़िया से। कान्हा कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें मैं डाल दूंगी तुलसी का पत्ता। यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है, थोड़ा 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 सा अंधेरा आपको लग रहा है क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, फ्लैश लाइट बंद हो गया है। तो चलिए अपने कान्हा को भोग लगा देती हूँ। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लास्ट वाला सोनिया में। तो देखिए हम लोग का खाना पीना हो गया है और अब बज रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो बस अभी खाने के थोड़े से बर्तन बेसिंग में हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़रा से बर्तन है, तो उनको भी बाद में मांजूंगी। बाकी किचन वगैरह देखिए मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। और बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं टीवी और खेलने में भी लगे हैं। और कल से ना बारिश हो रहा है, कल शाम से लगातार बारिश हो रहा है, तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। तो इस वजह से अभी मैंने हीटर जला के रखा है, थोड़ा सा जैसे हाथ पैर धुल के आओ ना तो ठंडा रहता, थोड़ा हीटर में पैर सेक लो तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चे अपना खेलने में लगे हैं। और मैं आज जो है, मेरा आज एक पार्सल आया है, तो आज मैंने अपने कान्हे के लिए कुछ बहुत स्पेशल चीज़ मंगाई है। तो चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कान्हा को सुला भी दिया, कान्हा को भोग लगा के देखिए मंदिर का पर्दा लगाया। तो एकदम जब पूरा काम हुआ मेरा ख़त्म हो गया, मैं फ्री हो गई, तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ही पार्सल आया हुआ है, ये देखिए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये मेरे कान्हा के लिए कुछ स्पेशल चीज़ है। तो मैं जब भी सुबह सुबह आ गया था तो मेरा मन था कि बस मैं जल्दी से खोल के देख लूं, फिर मैं कहा नहीं फटाफट काम वाम कर लेते हैं, ऑफिस का आराम से बैठ के वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं कैंची ले लेती हूँ और इसको जो है फ़ोन को लगा देती हूँ ट्राईपॉड पे और आप लोग को भी दिखाती रहती हूँ। हाँ बेटा, मम्मा का एड्रेस लिखा है, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कितना सुंदर सिंहासन आया है, पूरा कान्हा के लिए मैंने मंगाया है। ये देखिए पूरा इसमें, ये वुडन का है, ऊपर से इसमें स्टील की वो है चादर लगी हुई है। और ये देखिए, और ये पूरा वेलवेट का सिंहासन है, हल्का सा इधर जो है ना, कुछ नहीं पर ज़्यादा पता नहीं लग रहा दूर से, देखिए हल्का सा इधर है।
और ये देखिए कितना सुंदर इसमें काम किया गया है। और पीछे से भी मैं आपको पूरा इसका लुक दिखा दूं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें ये ऊपर से ये जो है ये देखिए छतरी भी आई है, ये छतरी भी आई है, तो चलिए इसको भी लगाते हैं। ये जो है ना मुझे लग रहा है ये ऐसे क्या पापा जी यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से लगेगा। ये देखिए पूरा लुक देखिए सिंहासन का कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सिंहासन आप लोगों को कैसा लगा। इसमें 12 नंबर तक के भी जो है लड्डू गोपाल आराम से बैठ जाएंगे, भैया जी बता रहे थे जिनसे मैंने मंगाया। और ये मैंने इंस्टाग्राम पेज से ही मंगाया है, तो उनकी इंस्टाग्राम आईडी है जिनसे मैंने ये मंगाया है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा था, फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, फिर जो है और फिर उन्होंने पिक भेजा मुझे, और इसकी पिक मैंने इंस्टा पे भी देखी थी, उन लोगों ने डाला था, फिर मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया, फिर उन लोगों ने बताया इसका पूरा प्राइस वगैरह, तो फिर मैंने मंगाया। मुझे बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि जब इसमें अपने कानों को बिठाऊँगी पूरी ड्रेस इनकी ऐसे रहेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, और मेरे लाला तो खुश हो जाएगा, मेरा कान्हा अभी तो मेरे कान्हा सो रहे हैं, चलिए उठेंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो इसको अभी तो मैं नहीं निकालूंगी, कुछ मैंने अपने मंदिर में कुछ चेंज करने के लिए सोचा है, तो सब हो जाएगा ना तब मैं जो है बेटा फट जाएगा, तो तब जो है अपने मंदिर में सिंहासन रख के फिर अपने कान्हा को बिठाऊंगी। थोड़ा सा मैं अपना मंदिर थोड़ा सा कुछ अच्छा सा करने की सोच रही हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाना है मुझे उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा भी मुझे टाइम चाहिए, पर इसके लिए मुझे रुका नहीं गया, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैंने तुरंत के तुरंत इसको ऑर्डर कर दिया और मंगा लिया। तो चलिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। काम देखिए कितना अच्छा है इसका, कितना सॉफ्ट है, टॉप पैकिंग देखिए। संध्या आरती भी मेरी हो गई है, इधर पूजा हो गई, मैंने अपने कानों को भोग भी लगा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो अभी मुझे देखिए पूरे सब कपड़े भी सेट करना है, मुझे मतलब कपड़े सेट करने का मन नहीं होता, इतना आलस आता है ना, पर ये कपड़े आज जो है मैं सेट करके कर लूंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए वो कोने में जो है ना सूटकेस से जो हस्बैंड सूटकेस ले गए हैं, तो उसमें से उसी में मैंने साड़ियाँ रखी हुई थी भारी वाली, ये शादी के समय की मेरी साड़ियाँ हैं तो बहुत भारी हैं, तो मतलब आज के ज़माने में कोई भारी साड़ी जब पहनना तो जा चाहता नहीं है, तो जो भारी साड़ियाँ थी ना तो उस सब मैंने छाट के सूटकेस में रख दिया था, तो वही सूटकेस हस्बैंड लखनऊ लेके गए, तो तभी से साड़ी बाहर है, तो इनको भी सेट करना है। और इसको क्या मतलब अलमारी में मेरी पूरी फैली हुई, पूरी अलमारी मेरी फैली, इसको भी पूरा सेट करना है, मतलब बहुत काम है। और ये देख रहे हैं यहाँ का हाल देखिए पूरा, ये भी पूरा सेट करना, ऊपर गज्जू ने कॉपी किताब सब फैला दी, वो भी पूरा सेट करना है। तो चलिए धीरे धीरे करेंगे, पहले मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने के लिए, तो पहले मैं वो धुले कपड़े जो हैं चेयर वाले पहले उनको सेट करूँगी, फिर अपने अलमारी सेट करूँगी, फिर धीरे धीरे सब यहाँ का भी सेट करूँगी। तो चलिए आज जितना सेट कर पाए उतना मैं आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, देखिए मैंने कप निकाल लिया था, फिर मैं सोचा कि आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। और खाने वाले बर्तन अब एकदम जरा से हैं तो उनको भी मांजूंगी, पहले मैं बना लेती हूँ चाय और बच्चों को दे देती हूँ दूध, तो बच्चे अब दूध बिस्किट खाएंगे और मैं अपने लिए सिर्फ एक कप चाय बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, अभी तो फिलहाल मैं आ गई सबसे पहले कपड़े सेट करने के लिए अलमारी के, तो वो कपड़े भी बाद में करूँगी, पहले अलमारी के कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने अभी अलमारी से निकाले हैं, ये कुर्ता भी मैंने तय किया अलमारी से निकाला, तो अभी अलमारी का हाल आप लोग को दिखा देती हूँ। ये अभी मैंने सेट किया है, अभी बिल्कुल जब ये जो कपड़े निकाले ना ये बेड पर जो पड़े हैं तो ये यहीं पे सब घुसे हुए थे, उनको निकाल के सारे साड़ियों के पेटीकोट इसको अच्छे से सेट कर दिया है, ऊपर भी पूरा सही से सेट करना है, ऊपर तो ज़्यादा नहीं फैला है, नीचे ये देखिए कैसे पूरा ठूसा हुआ है सामान, इधर साड़ियों के नीचे देखिए पूरा सामान। तो चलिए पहले अलमारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद
फिर यहाँ की अलमारी में सेट करूंगी। देखिए कि ज़्यादा फैल गई है। आधे कपड़े छोड़ के अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे कान्हा के लिए भोग बनाने के लिए। तो मतलब कि जो मैं कपड़े सेट कर रही थी ना, वो अभी थोड़ा बहुत ही सेट हो पाया, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, तो अधूरा ही छोड़ के मैं यहाँ पे कान्हा के लिए भोग बना रही, क्योंकि टाइम हो गया कान्हा के खाने का। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आटे का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और बस थोड़ा सा आटा डाला है, और फिर इसको मैं अच्छे से हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। मतलब जैसे ही मैं सूजी या बेसन का हलवा बनाती हूँ ना, सेम वैसे ही आटे का हलवा भी बनता है। तो बस आज मैं आटे का हलवा ही बना रही हूँ अपने कान्हा के लिए। चलिए फटाफट बना लेते हैं, अपने कान्हा को भोग लगाते हैं। कान्हा के लिए मैंने हलवा बना लिया है, और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है। तो फिर जो है अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी। देखिए ठंडा हो गया, चलिए अपने कान्हा को मैं भोग लगा देती हूँ। देखिए दिया अभी तक जल रहा है, तो पीछे रत्नाताई खड़ी हुई। तो इसमें मैं डालती थी थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। तभी शंकर राव और मारुति राव के कानों में हीरे के बीजों के की आवाज टकराई। चलिए अपने कानों को भोग लगा देती हूँ।